हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाने वाले हैं गेहूं के आटे से बहुत ही यम्मी और स्पॉन्जी केक। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स को ले लेना है। इसके लिए हमने लिया है 1 कप आटा और 3 चम्मच हमने लिया है कस्टर्ड पाउडर। आप किसी भी फ्लेवर का कस्टर्ड यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर इलायची कस्टर्ड यूज़ केसर इलायची कस्टर्ड यूज़ किया है और डाला है 1 चम्मच बेकिंग पाउडर और 1/2 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा। इन सबको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और इनको हमें छानकर ही यूज़ करना है। और एक दूसरे बाउल में मैंने लिया है 1/4 कप घी। घी आप एकदम मेल्टेड यूज़ ना करें, इस तरीके से गाढ़ा, थोड़ा सा गाढ़ा घी यूज़ करें। और उसमें डाल दिए मैंने 1/2 कटोरी शक्कर, पिसी हुई चीनी, और फिर डाला है मैंने 1/2 कप दूध। और आप इसको विस्कर की सहायता से, या तो आप हैंड विक्सर यूज़ कर लें या अगर आपके पास इलेक्ट्रिक विस्कर है तो अच्छे से इसको विक्स कर लें और ये एकदम क्रीमी टेक्सचर में हो जाएगा। इससे आपका केक बहुत ही स्पॉन्जी बनेगा। और फिर आप अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को इसमें डाल दीजिए। आप इसे अच्छे से करेंगे मिक्स, और अगर आपको बैटर आपका गाढ़ा लगता है तो आप इसमें थोड़ा सा दूध और डाल लें। और इसमें आप, मैंने डाला है इसमें वनीला एसेंस, और बस इसको इस तरीके की कंसिस्टेंसी में हमें लेके आना है। अब आप एक ट्रे ले लें किसी भी शेप की और उसको घी लगाकर अच्छे से आटे से उसको डस्ट कर लें। इससे आपका केक टिन में नहीं चिपकेगा। और हम इस बैटर को अब इसमें कर लेंगे ट्रांसफ़र। सारा बैटर हमें इसमें ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसे अच्छे से टैप कर लेंगे ताकि इसमें कोई एयर बबल ना बने। अब आप इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं या फिर जो टूटी फ्रूटी मार्केट में मिलती हैं आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और इसे अच्छे से आप डेकोरेट कर लीजिए। और इस केक को हम बनाने वाले हैं कढ़ाई में, तो आप कढ़ाई ले लें और उसमें आप नीचे सतह में नमक फैला लें और एक स्टैंड रख के उसको थोड़ा सा गर्म करें कढ़ाई को। और फिर अपनी जो केक का बैटर है उसको हम इसमें रख देंगे और 40 मिनट के लिए हम इसे बेक करेंगे। देखिए अब 40 मिनट हो गए हैं। हम चाकू से इसको चेक कर लेंगे कि हमारा केक पक गया है क्या नहीं। अगर चाकू आपका साफ़ निकलता है इट मीन्स आपका केक अच्छे से बेक हो चुका है। अब केक को हमने बाहर निकाल लिया है और इसको एकदम ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद ही हमें इसको मोल्ड से बाहर निकालना है। और ये देखिए मैंने केक को पूरा ठंडा कर लिया है और इसको हमने बाहर निकाल लिया है। अब हम इसको कट करेंगे। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से ये कट हो गया है। बहुत ही स्पॉन्जी केक बन के तैयार होता है। बहुत ही कम सामान से हमने इस केक को बना के तैयार किया है और ना ही मैदे का यूज़ किया है, ना ही हमें इसको बनाने के लिए ओवन की ज़रूरत पड़ी है। बहुत ही ईजी केक है, आप इसे कभी भी बना के तैयार कर सकते हैं और बहुत ही स्वादिष्ट। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब माई चैनल।